राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? तो अभी भाई मैं घर पे हूँ, तो चलो थोड़ा बहुत डाइट उट लेके वर्कआउट करके आते हैं। वर्कआउट नहीं छोड़नी चाहिए, जैसा कि गुरु जी ने बताया है, कहीं भी रहो वर्कआउट नहीं छोड़ना। तो चलो पहले थोड़ा सा वर्कआउट करके आते हैं, एक भाई से मिलना भी है, छोटा सा काम भी है, वो काम करते हुए फिर निकलेंगे दिल्ली। तो अभी वाइफ को भी लेने जाना पड़ेगा, अभी तक आई नहीं घर पर, रात छोड़ के आया था ना मायके में, अभी तक नहीं आई है। तो चलो इतना अपना काम निपटा लेते हैं, जब आ जाएगी फिर उसके बाद निकल जाएंगे दिल्ली। बिना ब्रेक का चाहिए? हाँ बना दो, पर फीका बना दो, बना दो खाली पानी में ना, कुछ ना पानी में थोड़ा सा बनियो, ज्यादा ना। तो पहुंच गया भाई बड़े भाई के जिम में, आ जाओ थोड़ा सा बैक की वर्कआउट लगा लेते हैं, बाकी शाम को तो चलना ही है दिल्ली में, लगाएंगे गुरुजी के जिम में चल के, शोल्डर और लेग्स लगा लेंगे शाम को, एक्सपोज फिटनेस। आज वो मारते हैं 4 सेट बैक की, भाई लगवा देगा आज तो। पूरा उसकी ये वाला और ये वाला एरिया ब्रीथ आउट कर, ब्रीथ आउट, हाँ चल चल बस ये चल चल। Dime qué es lo que esperas, dime qué quieres ver, dime qué es lo que juegas, porque vas a perder. Dime qué es lo que intentas, soy más fuerte que ayer, ningún reto me asusta, aquí vas a perder. तो आ जाओ भाई, देखो वर्कआउट हो गया, चल के घर पे थोड़ा बहुत डाइट जो पूरा होता करते हैं। तो यार मिल के ना बड़ा मज़ा आता है, जैसे कुछ खा मतलब दोस्त हैं ऐसे जो पानीपत में, तो बहुत ही बढ़िया है यार, मतलब क्या बताऊँ, शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है बोलने के लिए कि होते भी हैं कुछ खास लोग, बाकी तो ऐसे ही हैं जैसा कि आप सबको पहले ही बता चुका हूँ, इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल तो चलो चल के अपना निकला जाए दिल्ली के लिए। पानीपत का अपना खास भाई, खास मित्र कृष्ण जूस वाला, पुराना दोस्त हूँ भाई, बहुत ज्यादा पुराना है, टाइम से भाई आता मेरे पास, जब मेरी बॉडी भी नहीं थी, जब तो मैं जिम जाम में जैसा मतलब जाया जाया करता था, जब से दोस्ती भाई के साथ, भाई के पास फ्री में 2-3 केले खा के फिर जाऊंगा घर, अगर भाई खिलाए तो। ठीक है भाइयों, ऐसे पंकज भाई का सपोर्ट करते रहो, बस मेरा भी थोड़ा ध्यान रखना। भाई का भी फेसबुक है, चैनल है, यूट्यूब है, यूट्यूब है, क्या नाम से? यस करो सपोर्ट भाई को भी। आज दोस्तों थोड़ा सा ओट्स खा लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे भाई, आ गया मेरी वाइफ भी, अब थोड़ा सा ससुराल जाना पड़ेगा फिर से, फिर निकलेंगे वहाँ से दिल्ली के लिए। चलो भाई निकलते हैं, धूप इतनी तेज हो रही है, नींद आ रहा है, पता नहीं अब कब आएंगे वापस। मेरी मम्मी बैठी है, क्या चीज भाई, फिर बहु बात करवा देते ना। अरे बहु बात भोज बात सब। चलो दोस्तों निकल पड़ा हूँ मैं अपने घर से, अभी इसके घर पे जा रहा हूँ, देखते हैं सासू माँ ने क्या बना रखा है। अगर रिश्तेदारियों में 10 दिन घूमता रह गया ना तो डाइटिंग गई तेल लेने।
चलो आ जाओ फटाफट पहुंचते फिर दिल्ली निकल लेंगे वहीं से। क्रंची, डार्क चॉकलेट ले लेना तू। नहीं, बड़े दिन बाद आया हूँ इस दुकान पर भाई खाने। ये देखियो पहले मना करके और अब ये भी करवा रही है चॉकलेट। पेमेंट कैसे करूँगा? पैसे तो मेरे ही हैं। मैं कह रहा हूँ मैंने दिए तेरे को, ये कर ले तू तिरामिसू। ठीक है सर मैं अलग देसी की खाएगी तू और कितनी मोटी होगी। अच्छा अरे भाई यहाँ तो कुछ अलग ही सिस्टम है, ये नहीं करने देंगे डाइट। पूरा पूरा दो घंटा लगा भाई पहुँचने में। हाँ हेलमेट लगा के ना डस्ट पोल्यूशन से तो फेस बच जाता है। सुकून मिलता है हेलमेट लगाने के बाद बाइक चलाने में। आ जाओ दोस्तों थोड़ा सा फ्रूट खा के निकलते हैं भाई गुरुजी के जिम के लिए। थोड़ा सा लेट ही जाता हूँ मैं जिम में, हो सकता है शायद आज कोई एक भाई आ जाएगा वहाँ पे तो शायद उसकी भी वर्कआउट करवानी पड़ेगी और अपनी तो करनी ही है, थोड़ा बहुत वर्कआउट लगाएंगे। तो आ जाओ फटाफट फिनिश करते हैं। तो चलो दोस्तों आ जाओ चल के वर्कआउट करके आते हैं फिनिश करके। वैसे थकावट तो हो रही है क्योंकि मॉर्निंग में भी वर्कआउट कर लिया था फिर सफ़र कर लिया, बाइक चलाना यार थोड़ा मुश्किल होता है। आ जाओ तो डॉक्टर ने तो गुड न्यूज़ दे दिया, ना चीरा लगा के यार बड़ा दिल को शांति मिली सुकून मिला है। तो चलो गेम खराब नहीं होगा भाई, करते हैं वर्कआउट अपना स्टार्ट। पहुंच तो गए जिम में। डॉक्टर को दिखाया मैं, डॉक्टर से मतलब चेक करके देख लिया, वो बोला कि इसके अंदर कुछ नहीं है, अगर चीरा भी मार दूंगा तो कुछ नहीं निकलेगा। वो बोला कि चार बार पर सिखाई दिन में चार बार वो कर ले, अगर थोड़ा बहुत जम भी रहा होगा तो अपने आप गर्मी आएगी। बोला कि चीरा चूरा मरवाने की जरूरत है, इसके अंदर कुछ नहीं होना, किस बात आवाज देता सारा। बोला कुछ है ही नहीं, मैं कहा यार गेम गुम करेंगे बाद में, अगर बढ़ता दिखा तो करवाएंगे, आने तो फिर अपना गेम खेलने से खराब करेंगे। उसकी है ना भर गई है पूरी फोन, ये तो सब कुछ मिला है। ये प्रो है ना, प्रो हमेशा स्टैंडर्ड साइज बनाती है, बिल्कुल हाथ में आ गया और सेम ही है। हाँ ले आओ ये रख लो गुरु जी, ये रख लो आप। कल मैंने चेस्ट की चार वर्कआउट मारी थी वहाँ पे और सवेरे मॉर्निंग में चार वर्कआउट बैक की लगा ली। तो भाई ऐसा है फ्रंट शोल्डर चल रही है आज कंप्लीट, साथ शोल्डर की वर्कआउट चलेगी तो रोड के साथ फ्रंट रोड लगा रहा हूँ। तो भाई ये अपना दूसरा वर्कआउट है शोल्डर प्रेस। तो तीसरा वर्कआउट है फ्रंट रेज। I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma
मतलब पहले 10 ये फिर 5 ये बाद में करा के ठीक है अच्छा बाद में ये करा के 5 ये 5 दोनों बराबर आके दोनों बराबर पास। तो भाई नेक्स्ट वर्कआउट ये है। अरे थोड़ा सा अलग है my way so you can go kick rocks I'ma stack bricks up build what I want to make cause I don't give a fuck what you say yeah I'ma do shit my way so you can go kick rocks I'ma stack bricks up build what I want to make yeah I'ma do it my way कुल मिला के हम यही कुछ पुराने रह गए हैं जिम में। साइड की लगा लेता हूँ आज थोड़ा सा एब्स वर्कआउट, शोल्डर की कंप्लीट होगी तो फिनिश करके आप अभी चलते हैं घर। वैसे भी आज 90-95 किलोमीटर बाइक चला रहा हूँ यार। कंपटीशन का टाइम है तो और भी नसें मोटी हो जाएंगी, जब स्किन बिल्कुल पतली हो जाएगी ना पेपर जैसी, सिर्फ नसें नसें दिखेंगे बिल्कुल ऐसे केच।